शहर के आईटी व्यवसायी हेमंत निगम ने स्मार्ट आंगनबाड़ी को लिया गोद, करेंगे नित्य नए प्रयोग। बाल शिक्षा केंद्र आंगनबाड़ी क्रमांक 2 के बच्चे वातानुकूलित वातावरण के साथ साथ अब स्मार्ट आंगनबाड़ी के माध्यम से करेंगे अध्ययन। बाल शिक्षा केंद्र आंगनबाड़ी में पढ़ने वाले बच्चे एसी की ठंडी हवा में। शहर एवं ग्रामीण क्षेत्र में स्मार्ट आंगनबाड़ी बनाने के संकल्प हेतु जरूरत पड़ने पर बैंक से लोन लेने के लिए मानसिक रूप से तैयार हेमंत निगम। प्रस्तुत है ग्वालियर से अनूप पांडे की एक रिपोर्ट। जी हां, समाज में कुछ नया करने का संकल्प नित्य नए प्रयोग करने की प्रेरणा देता है, जिससे कहीं ना कहीं समाज को एक नई दिशा मिलती है और नए लोगों का मनोबल भी बढ़ता है। शहर के आईटी व्यवसायी हेमंत निगम निरंतर समाज सेवा के नित्य नए प्रयोग करते रहते हैं। हाल ही में उन्होंने रेशम मिल स्थित बाल शिक्षा केंद्र आंगनबाड़ी क्रमांक 2 को गोद लिया है। इस स्मार्ट आंगनबाड़ी में पढ़ने वाले बच्चे ठंडी हवा में भोजन करने के साथ साथ शिक्षा के पाठों को सीख रहे हैं। इसी श्रृंखला में अब स्मार्ट क्लास भी जुड़ गई है। श्री निगम के अनुसार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के संदेश के माध्यम से उन्होंने यह पहल की है। आगे भी वह नित्य नए नए प्रयोग शहर में मौजूद बाल शिक्षा केंद्र आंगनबाड़ी हेतु करते रहेंगे। वह यह सब अपने खर्चे से कर रहे हैं। समाज के लोगों द्वारा उनके इस कार्य को सराहा जा रहा है। स्मार्ट आंगनबाड़ी बाल शिक्षा केंद्र में बच्चों को स्मार्ट टीवी के माध्यम से शिक्षा, पढ़ने के लिए ड्यूल डिस्क, पीने के शुद्ध पानी के लिए वाटर कूलर, खिलौने एवं झूले के साथ साथ गर्भवती महिलाओं के लिए वेस्टर्न टॉयलेट व बाल स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना स्मार्ट आंगनबाड़ी में की जाएगी, जिससे महिलाओं को बच्चों के लिए टीकाकरण की सुविधा मिल सके। श्री निगम के अनुसार शहर एवं ग्रामीण क्षेत्र में स्मार्ट बाल शिक्षा केंद्र आंगनबाड़ी बनाने हेतु जरूरत पड़ने पर वह बैंक से लोन लेने के लिए मानसिक रूप से तैयार है। प्रदेश की पहली स्मार्ट आंगनबाड़ी बनाया जाए, यहां सभी सुविधाएं उपलब्ध हों। ग्वालियर से अनूप पांडे की एक रिपोर्ट। मेरा नाम हेमंत निगम है। मैं एक आईटी प्रोफेशनल हूं, व्यवसाय करता हूं और लगभग लास्ट 25 ईयर से आईटी की फील्ड में हूं और गवर्नमेंट मेरा में काम है मेरा, तो एज ए आईटी प्रोफेशनल मैं वर्क करता हूं। लगभग 2 साल पहले मैंने इस आंगनवाड़ी में काम किया था और इस आंगनवाड़ी को मैंने एक आधुनिक आंगनवाड़ी बनाने का प्लान किया था और इसमें मैंने एक एसी लगवाया था और बच्चों को और कलरफुल पेंटिंग वगैरह करवाई थी, इसमें सौर मंडल बनवाया था। उद्देश्य ये था कि बच्चे आएँ, इन्जॉय करें, आनंद लें अपने जीवन का, पढ़ें भी, शिक्षा भी लें और साथ साथ खेलें भी। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हमने इसको 2 साल पहले शुरुआत की थी इस आंगनबाड़ी से और इसको वातानुकूलित बनाया था, जिसमें माननीय जो थे आईएएस ऑफिसर जो है अनुपम राजन जी आए थे, उसमें महिला बाल विकास मंत्री थी वो भी आई थी, उन्होंने काफ़ी सराहना की थी और तब से इसमें काम चला रहा है। अभी हमने इस आंगनबाड़ी को मुख्यमंत्री जो हैं वर्तमान में हमारे शिवराज सिंह चौहान माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनके आह्वान पे हमने इस आंगनबाड़ी को ऑफिशियली भी गोद ले लिया है। अब हमारा यह है कि हम इसको एक स्मार्ट आंगनबाड़ी बनवाएं। स्मार्ट आंगनबाड़ी बनवाने से उद्देश्य हमारा ये है कि इसमें वो सारी सुविधाएं हों जो एक बच्चे को मिलें। बच्चा आए यहाँ पर, वो खेले, वो पढ़े, उसके साथ साथ उसको एक स्मार्ट आंगनबाड़ी जब मिलेगी तो उसमें एक डिजिटल हमने इसमें स्मार्ट टीवी भी प्रोवाइड किया है, जहाँ बच्चे अभी तक ब्लैक बोर्ड पे या ग्रीन बोर्ड पे पढ़ते थे चॉक बोर्ड से, अब वो स्मार्ट डिजिटल आंगनबाड़ी जब बन जाएगी तो उसमें वो ऑनलाइन पढ़ सकेंगे, उनको ऑनलाइन पढ़ाया जा सकेगा, उनका और विकास होगा, मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर उनका विकास होगा, वो स्मार्ट आंगनबाड़ी में पढ़ सके। इस उद्देश्य को लेकर हमने स्मार्ट आंगनबाड़ी बनाने का प्लान किया है। अभी हमने इसमें जो सुविधाएँ हैं उसमें स्टार्ट कर दी हैं। हमने इसमें एक अभी स्मार्ट टीवी प्रोवाइड किया है, एक कंप्यूटर भी हम इसमें प्रोवाइड करने जा रहे हैं, जिससे कि बच्चे जो है कंप्यूटर के माध्यम से भी कुछ कंटेंट्स आते हैं वो भी पढ़ सके और जो यहाँ पर महिला शिक्षक हैं वो उसको पढ़ाएंगी, उनको भी हम ट्रेन करेंगे कि वो बच्चों को ऑनलाइन भी पढ़ा सकें, ऑफलाइन भी पढ़ा सकें और कंप्यूटर और स्मार्ट टीवी के द्वारा भी पढ़ा सकें उनको। लगभग 4 साल से मैं समाज के क्षेत्र में जुड़ा हूँ, जो समाज के क्षेत्र के लिए मैं काम कर रहा हूँ। इससे पहले मैं आनंद विभाग से जुड़ा था, आनंद विभाग के लिए भी काम कर रहा था और वहाँ पर हम आनंद विभाग में
गरीब बच्चे जो कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से हैं, जिन्होंने कभी आनंद नहीं लिया जीवन का, वहाँ पर हम गांव-गांव बच्चों को खिलौने बांटने जाते थे। ये खिलौने बांटने का जो कंसेप्ट था वो माननीय हमारे जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है श्री शिवराज सिंह चौहान, उनका एक कंसेप्ट था। वो ये चाहते थे कि हर गरीब बच्चा जिसने कभी जीवन का आनंद नहीं लिया उसको खिलौने दो। तो उससे प्रेरित होकर जब ये बात हमारे नोडल अधिकारी वर्तमान में जो कलेक्टर हैं शिवराज बड़वानी के उन तक बात आई, जब वो ग्वालियर में थे तो उन्होंने ये बात रखी कि हम बच्चों को खिलौना बांटना चाहते हैं। तो मैंने उसके लिए क्लब बनाया टॉयज फॉर टॉट्स, जिसके माध्यम से हम लोग बच्चों को गांव-गांव बच्चों को खिलौने बांटने जाते थे। और खिलौने बांटते बांटते ये एक लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड भी बना, जिसमें हमने बच्चों को काफ़ी तादाद में हज़ारों के माध्यम से खिलौने बांटे। और इसमें सबसे ज़्यादा हमने जो टारगेट किया था वो गाँव गरीब बच्चा, जो आदिवासी है, जो मजदूर का बच्चा है, वो गरीब परिवार का बच्चा है, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, वंचित है, जिसने कभी शिक्षा नहीं ले पाया, वो पढ़ नहीं पाया, वो आनंद नहीं ले पाया जीवन, उसको जाके हमने खिलौने बांटे। लेकिन साथ ही साथ ये हमारे मन में जब भावना आई, जब हमको लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड बना, तो हमारे जो उस समय वर्तमान में उस समय जो ग्वालियर के कलेक्टर थे अनुराग चौधरी, जब हम उनसे मिले, उनसे हमने लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट प्राप्त किया, तो उन्होंने हमको मोटिवेट किया इसके लिए कि क्यों ना ये आप आंगनवाड़ी में काम करें। क्योंकि जो बच्चा है, चाहे वो ग्रामीण का हो चाहे शहरी बच्चा, वो आंगनवाड़ी में जाता है, वहाँ वो खेलता है, वहाँ वो पढ़ता है, तो ये खिलौने अगर आप वहाँ प्रोवाइड करेंगे तो ज़्यादा बच्चे उसको खेल पाएंगे, ज़्यादा आनंद ले पाएंगे, अच्छे से इंजॉय कर पाएंगे। इसलिए हमने ये सोच के फिर हमने आंगनवाड़ी का कंसेप्ट जो था वो हमने शुरू किया और आंगनवाड़ी को गोद लेना शुरू किया। तो वर्तमान में हमने अभी शहरी आंगनवाड़ी ली है जहां हम इसको स्मार्ट बना रहे हैं। इसके बाद हमारा जो प्लान होगा वो हम एक ग्रामीण आंगनवाड़ी की तरफ बढ़ेंगे, कि हम ग्रामीण का बच्चा भी बहुत वंचित है और सारी सुविधाओं से दूर है, जो आनंद नहीं ले पाता है, जो खिलौनों से खेल नहीं पाता है, जो अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाता है, उसके इसके बाद हम ग्वालियर से फिर एक शहरी से छोड़ कर हम एक ग्रामीण आंगनवाड़ी की तरफ बढ़ेंगे, जहाँ पर बच्चा आंगनवाड़ी में आए, खेल सके, पढ़ सके, आनंद ले सके जीवन का। एक बार हम ग्वालियर सेंट्रल जेल में हमारा जाना हुआ, हमें वहाँ के बारे में पता चला कि वहाँ भी बच्चे रहते हैं जो कि महिला वार्ड के अंदर रहते हैं, जहाँ बच्चों की जो उम्र है वो 1 साल से 6 साल तक के बच्चे या गोदी के भी बच्चे भी रह सकते हैं। क्योंकि जो वंचित जो बच्चा है वो एक उसने कोई अपराध नहीं किया, वो एक इनोसेंट बच्चा है, लेकिन माँ ने अपराध किया तो बच्चा क्यों भुगते उस गलतियों को जो माँ ने की है। तो ये सोच के हम एक बार वहाँ पर गए, बच्चों को खिलौने बांटे, तो हमने देखा कि बच्चे जो हैं वो पेड़ के नीचे पढ़ रहे हैं और उनको सुविधाएं नहीं मिल रही हैं वहाँ पर, और बच्चा 6 साल तक वहाँ रह सकता है। ये सोच के हमने वहाँ पर भी एक बाल शिक्षा केंद्र की स्थापना की, वहाँ पर क्लासरूम डेवलप किया, वहाँ बच्चों को खिलौने उपलब्ध कराए, इनडोर गेम्स उपलब्ध कराए, और अभी भी हम वहाँ पर काम कर रहे हैं। आउटडोर हम राइड्स जो है गेम्स वगैरह जो हैं वो भी हम वहाँ पर उपलब्ध करा रहे हैं, और राइड्स वगैरह भी लगवाने का प्लान कर रहे हैं, जिससे बच्चा पढ़ सके, खेल सके, आनंद ले सके अपने जीवन का। ये सोच के हमने जेल में काम करना शुरू, अब बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, खेल रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, और मध्याह्न भोजन भी उनको गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है और वो वहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं। जैसा कि ये हम पिछले 4 साल से समाज के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, और पहले मैं टॉयज फॉर टॉट्स करके क्लब मैंने बनाया था, जिसमें हमारे साथ कई मेम्बर्स थे, जिसमें से आशीष चंदेल हैं, बबीता सेंगर मैडम हैं, और स्वर्णरेखा मैडम हैं, और गजेंद्र आर हैं। ये सभी लोग और भी सदस्य जो हमारे साथ जुड़ के इस मुहिम में हमारे साथ काम करते हैं और कंधे मिला के बच्चों के लिए और उनकी खुशियों के लिए, उनके आनंद के लिए काम करते हैं। और ये मुहिम ऐसी आगे चल रही है, सदस्य हमारे साथ लगातार जुड़ते जा रहे हैं। क्लब के साथ साथ अभी हमने फाउंडेशन की भी स्थापना की है, जिसका नाम है द हैप्पीनेस फाउंडेशन, जो केवल और केवल बच्चों के जो वंचित हैं, जो पढ़ नहीं पाते हैं, जो अच्छी शिक्षा नहीं ले पाते हैं, जो खुशियों जिनको नहीं मिलती हैं, जो गरीब बच्चा है, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार से है, उसके लिए हमने ये फाउंडेशन की स्थापना की है। इसका उद्देश्य ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छा काम कर सकें। अगर हम अपनी फाउंडेशन को लेकर काम करेंगे तो हम और अच्छे से काम कर सकेंगे। इसके लिए अभी हमने ये हैप्पीनेस फाउंडेशन की स्थापना की है। इसका कंसेप्ट यही है कि हैप्पीनेस एंड एजुकेशन, हम दो में काम करेंगे, बच्चों को खुशियाँ प्रोवाइड करेंगे और उनकी शिक्षा के लिए काम करेंगे। शिक्षा बहुत ज़रूरी है। एक हम बच्चों को खुशियाँ तो दे देते हैं, टॉय दे देते हैं, राइड्स लगा देते हैं, खुशियाँ देते हैं, लेकिन शिक्षा बहुत ज़रूरी है। अगर हम बच्चे को शिक्षित करते हैं तो एक बच्चा अगर हम शिक्षित करते हैं वही आगे चल के 10 लोगों को खाना खिलाता है, अपने परिवार को पालता है, और बच्चे हमारे देश का भविष्य है। इसलिए मेरा झुकाव जो है मेन सबसे ज़्यादा वो छोटे बच्चों की तरफ है, जो हमारे देश का भविष्य है, जो आने वाली पीढ़ी है। अगर हम इनका ध्यान नहीं रखेंगे, जो गरीब हैं, जो वंचित हैं, तो यही कैसे आगे बढ़ेंगे। तो हमारे समाज के लिए ये हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चों के लिए काम करें, उनकी शिक्षा के लिए काम करें, उनके आनंद के लिए, उनकी खुशियों के लिए काम करें, जिससे वो आगे बढ़ सके। कोई भी बच्चा शिक्षा के बिना वंचित ना रहे, खुशियों के बिना वंचित ना रहे, वो आगे बढ़े, आनंद ले और
अच्छी शिक्षा मिले उसको, ये उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हमने आंगनवाड़ियाँ गोद ली हैं और इसको स्मार्ट बनाने का प्लान किया कि यहाँ सारी सुविधाएं हों। अगर उसकी माँ भी आती है तो भी उसको टीकाकरण के लिए यहाँ पर हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं पूरी उपलब्ध हो। हम स्वास्थ्य केंद्र बनाने का भी प्लान कर रहे हैं यहाँ पर कि एक रूम बना दें जहाँ पर महिलाएँ आएँ, अपने बच्चों का टीकाकरण करें, वहाँ पर उनके लिए जो भी उनकी सुविधाएँ हों। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने का उद्देश्य है और एक वेस्टर्न टॉयलेट भी बनाने का प्लान है कि उनके लिए वेस्टर्न टॉयलेट भी हो यहाँ पर। तो शिक्षा के साथ साथ बच्चों के साथ साथ बच्चियों की खुशियों के साथ साथ एक स्वास्थ्य केंद्र की भी स्थापना की कि पूरी कंप्लीट आंगनवाड़ी बने, पूरी स्मार्ट आंगनवाड़ी बने, डिजिटल आंगनवाड़ी बने, खेलने के साथ साथ शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य के साथ साथ यहाँ सारी सुविधाएँ हों। इसको हम धीमे धीमे फेजेज में करेंगे क्योंकि मैं भी एक बिजनेसमैन हूँ, मेरा एक लिमिटेड बजट है, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो बच्चों के लिए मैं लोन भी लूँगा। मैं सभी से ये आह्वान करूंगा, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, जो गांव गरीब किसान के मसीहा हैं, मैं उनको बहुत मानता हूं, उनसे प्रेरित हुआ हूं, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से जो उनका आह्वान है कि आंगनवाड़ी हम सबको गोद लेनी चाहिए, आगे आना चाहिए। तो मैं भी सभी से ये आह्वान करूंगा, जिस तरह से मैंने आंगनवाड़ी गोद ली है, एक शहर की, एक ग्रामीण की, इस तरह और भी लोग जो सक्षम हैं वो आगे आएँ, आंगनवाड़ियों को गोद लें और इसको स्मार्ट बनाने का प्लान करें, जिससे कि जो बच्चा है, जो वंचित है, जो चाहे वो ग्रामीण का हो चाहे शहरी का हो, उसको सारी सुविधाएं मिल सके, वो इसे एक आंगनवाड़ी पढ़ सके, शिक्षा ले सके, आनंद ले सके, उसकी जो माँ है और उसको भी सारी सुविधाएं मिले जब वो टीकाकरण के लिए आती है अपने छोटे बच्चे के लिए। तो मेरा प्रशासन से भी आह्वान है और भी समाज के जो लेख हैं उनसे आह्वान है कि वो आंगनवाड़ियों को गोद लें और उनके लिए खिलौने, जो भी शिक्षा के लिए सामान है, सामग्री है, स्मार्ट आंगनवाड़ी में भी जो भी चीज़ लगती हैं, वो अपना उसमें योगदान दें। अगर हम सभी मिलकर अगर अपना जिस समाज के जो संपन्न वर्ग हैं अपना योगदान देंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी आंगनवाड़ी इससे वंचित रह पाएगी। धीमे धीमे जितनी भी प्रदेश में आंगनवाड़ियाँ हैं सब स्मार्ट हो जाएंगी और सारी सुविधाएँ वहाँ पर, चाहे वो गरीब बच्चा हो, ग्रामीण का हो, चाहे शहरी का, उसको सारी सुविधाएँ वहाँ पर मिलेगी और एक हम अच्छे समाज का निर्माण करेंगे और हर बच्चा शिक्षित होगा वहाँ पर आकर, हर बच्चा स्वस्थ होगा, शिक्षित होगा, मानसिक तौर पर, शारीरिक तक पे उसका विकास होगा और वो आगे बढ़ेगा। यही हमारे बच्चे देश का भविष्य है, यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा टारगेट है कि बच्चे आगे बढ़े, पढ़े और सब स्वस्थ रहें, सब मस्त रहें और सबको सारी खुशियां मिलें, जो कि हम सबके सहयोग से ही संभव है। और मैं सभी से एक और गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, इससे निवेदन करूंगा कि जो भी इस मुहिम से जुड़ना चाहते हैं तो मेरे दिए गए नंबर पर मोबाइल से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिसमें मेरा मोबाइल नंबर है 9300376432। इस नंबर पे सभी कॉन्टैक्ट करके या जिस भी आंगनवाड़ी से जुड़ना चाहे वहाँ भी जुड़ सकते हैं, मुझसे भी जुड़ सकते हैं। अगर किसी को प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है तो ये प्लेटफॉर्म मैं उपलब्ध कराऊंगा आपको, आप जो भी सहयोग देना चाहे वो दे सकते हैं अपनी स्वेच्छा से। अगर नहीं भी देना चाहते हैं तो खुशियाँ हम किसी को कैसे भी प्रोवाइड कर सकते हैं, आप सहयोग नहीं भी करें तो भी आप आके एक अच्छी सी मुस्कान दे के भी लोगों को खुशियाँ दे सकते हैं, बच्चों का सहयोग कर सकते हैं, उनमें शामिल हो सकते हैं, उनका हौसला ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप पढ़ा सकते हैं तो आंगनवाड़ी में आके आप पढ़ा भी सकते हैं, उनको शिक्षा भी दे सकते हैं, जो भी आप अपना सहयोग देना चाहें। ज़रूरी नहीं है हम फाइनेंशियली स्ट्रांग हो तभी हम किसी को सपोर्ट कर सकें, हम मानसिक तौर पे भी अगर खुश हैं, मस्त हैं, स्ट्रांग हैं, एजुकेशनल वाइज भी हम स्ट्रांग हैं, तो हम अच्छी शिक्षा देके भी बच्चों को सहयोग कर सकते हैं, अपना योगदान दे सकते हैं। तो मेरा सभी से आह्वान है कि वो अपना कहीं ना कहीं जो भी उनके अंदर एबिलिटी है वो उसमें वो सहयोग करें और अपना समय, कुछ समय बच्चों के लिए ज़रूर दें, जिससे कि जो हमारा भविष्य है, जो देश का भविष्य है, वो आगे बढ़ सके, विकसित हो सके शारीरिक मानसिक तौर पर। ये मेरा सभी से निवेदन है।